सबसे कठिन जॉब है दुनिया में पॉलिटिक्स, वो मैं भी नहीं कर सकता। आप देखो, आप कहोगे समझे, आप इतने बड़े बड़े काम कर लेते हो, पॉलिटिक्स मेरा स्वभाव नहीं है। हमारे पूज्य आचार्य श्री भी कभी कभी जब राजनीति में कुछ भी उथल पुथल देखते हैं तो कहते हैं बड़े भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसे हो गए। तो मैंने कहा तो आपको बना दे प्रधानमंत्री। बोले नहीं, मैं तो नहीं बन सकता। एक होता है मूल स्वभाव। भारत में इंदिरा गांधी के समय बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था, आप लोगों को याद है, तो कोई ज्यादा पुराने लोग थोड़ी, ज्यादा नए भी नहीं हो। जयप्रकाश नारायण थे, उसी समय मुरारजी देसाई थे, उसी समय चंद्रशेखर जी भी थे, उसी समय यहाँ पर एक बहुत बड़े नेता, क्या नाम था, उत्तर प्रदेश के जो है अजीत सिंह जी के पिता, क्या नाम था, चौधरी चरण सिंह जी थे। जयप्रकाश नारायण जी का स्वभाव राजनीतिक नहीं था, लेकिन सारी क्रांति उन्होंने खड़ी कर दी। मोरारजी देसाई जी का सात्विक मिश्रित राजसिक स्वभाव था। हर आदमी का एक मूल स्वभाव, आधिक्य से उसकी जो प्रकृति होती है, हमारी मूल प्रकृति सत्व पर अधिष्ठित है, इसलिए हम राजनीति नहीं कर सकते। लेकिन राजनीति जो करने वाले लोग हैं उनके सामने एक आदर्श तो होता ना कि ये आदमी सुचितापूर्ण जीवन जी रहा है। आज हम जिस पोजिशन में हैं, हम भी विलासिता का जीवन जी सकते हैं, नहीं जीते। हम भी शक्तिशाली होकर के किसी गरीब को सता सकते हैं। आदमी जब ताकतवर होता है, किसी ने उसका बुरा किया हुआ तो बोले तेरी ऐसी तैसी मैं ही करता हूं। व्यक्ति का समर्थ होना बड़ा कठिन होता है, और समर्थ होकर के अपने बल को नियंत्रित करना बड़ा कठिन होता है। तो आप जो नेपाल में इस समय अलग अलग भूमिकाएं हैं, आप में से जो राजनीतिक में हैं, उनके भीतर राजनीतिक मानस है, नहीं तो आप राजनीति में आते ही नहीं। और अच्छी बात है, राजधर्म और अध्यात्म धर्म को बराबर महिमा दी हमारी संस्कृति में, लेकिन उस राजनीति में अधिकार पा करके सेवा करना और उसका अहंकार नहीं होने देना, यह बड़ा कठिन है, सबसे बड़ा कठिन यह काम है कि आदमी के पास बल आ जाए और उसको नियंत्रित रखे। गांव में लोग कहते हैं अरे भाई अपना आपा डांट ले, बल पाने के बाद अहंकार ना आए। और जैसे आप सत्ता के लिए जब चुने जाते हो तब कितना पुरुषार्थ करते हो, 2 महीना तो वर्ल्ड के सभी पॉलिटिशियंस, अमेरिका से लेकर के जो बाइडेन से लेकर के, और अभी तो बेचारा थोड़ा उसका दिमाग के कुछ तंतु हिल गए, ट्रंप से लेकर के कमला हैरिस, उससे पहले जो भी थे, 2 महीने तो पॉलिटिशियंस इतनी मेहनत करते हैं, उतनी मेहनत संसार में शायद कोई करता होगा, लेकिन हम जैसे पॉलिटिशियन 2 मेहनत करते हैं, ऐसी मेहनत पिछले 35 सालों से कर रहे हैं। हमको तो कोई एमएलए एमपी सीएम पीएम नहीं बनना, प्रेसिडेंट नहीं बनना, लेकिन वही पुरुषार्थ, पूज्य आचार्य श्री साक्षी हैं, सुबह 3:30 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक 365 दिन, चलो आप लोगों को 7 दिन में 1 दिन आराम कर लो, उतना अनुमति है, थोड़ा पत्नी को बच्चों को थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा घूमने फिरने भी चले जाओ पहाड़ में, नदी पर कहीं, किसी को थोड़ा कोई पिक्चर पिक्चर देखने हो देख लो, हम तो देखते नहीं, लेकिन सप्ताह में 6 दिन आप पब्लिक के लिए कम से कम 12 घंटे उपलब्ध रहो। और जब आदमी उसमें खो जाता है ना, उसको आनंद आता है। भारत में ऐसे में सैकड़ों पॉलिटिशियंस को जानता हूं जो 24 घंटे राजनीति करते हैं, सपने में भी शायद वो पॉलिटिक्स ही करते हैं। सुबह उठते ही उनके यहां दरबार लग जाता है, वो अपना भी ख्याल नहीं रखते कई बार, वो अलग बात है। तो पॉलिटिक्स के 4-5 आपको टिप्स दे देता हूं, गुरु हूं ना इसलिए तो देना ही पड़ेगा। मैं पिछले दिन एक पॉलिटिशियन के बहुत आग्रह किया, मुझे जाना पड़ा। पूज्य आचार्य श्री, उसने करीब 10 आदमी ऑफिस की में बैठा रखे, वो 365 दिन उसके लोग काम करते हैं, शायद संडे के दिन छुट्टी करते होंगे, लेकिन 365 दिन नीचे पूरा ऑफिस बना रखा है। उसकी पत्नी मेयर, वो खुद एमएलए या एमपी, जो भी खड़ा हो जाए वो ही जीते। क्यों? हर आदमी के साथ कॉन्टैक्ट, किसी का जन्मदिन है उसको बर्थडे का विश चला जाएगा, कार्ड चला जाएगा, किसी की शादी है तो
तो सबके, मैं उस दिन भी देखा, मैंने कहा क्या कर रहे हो, बोले आज इतनों की शादी है तो इतने की शादी है तो इतने बर्तन, इतनी साड़ी, गांव की साड़ी अलग, शहर की साड़ी अलग, गांव वालों की साड़ी थोड़ी चमक धमक वाली, शहर वालों की थोड़ी, जैसे शहर वाले थोड़ी कम चमक धमक वाली पहनते हैं, पैसा उतना ही दोनों का, और फिर बर्तन, फिर उसके साथ कुछ लिफाफा, गरीब है तो इतने का लिफाफा, मिडिल क्लास है तो इतने का लिफाफा, और वो सब जा रहा है। पॉलिटिक्स करने के लिए पैसा भी चाहिए, बिना पैसे के पॉलिटिक्स नहीं होती है, लेकिन वो कैसे किया जाता है, जो समर्थ है 1-2% उससे लिया जाता है, प्रेम पूर्वक, भ्रष्टाचार पूर्वक नहीं। समर्थ से लेना और असमर्थ को देना भी, और उसमें भी जैसे जिस समाज की परिस्थिति है वैसे करना। तो ऐसा लोगों के साथ इमोशनल कनेक्ट, और अपने कम से कम 8 से 10-12 घंटा लोगों से मिलना भी रोज, और उनके सुख दुख में साथ भी खड़े होना, तो ये फुल टाइम जॉब है। पॉलिटिक्स इज ए नॉट पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब है। फिर अपने बैरी से भी वैर दिखाना नहीं, बाकी पॉलिटिशियन वैर तो करते ही है, इसमें तो कोई शंका है नहीं। यहां पर भी आप आए हैं तो अलग अलग पार्टियों के हैं, तो अंदर अंदर से तो थोड़ा बहुत खुटरपटर रहता है, लेकिन अपने वैरी को भी वैर दिखाना नहीं, जो आपके लिए जी जान से काम करते हैं उसके लिए फिर खड़े हो जाना, हटना नहीं पीछे, और कभी भी एक क्षण के लिए भी निराश नहीं होना, चाहे एक बार हार जाओ चाहे 2 बार हार जाओ, पॉलिटिशियन कभी मरता नहीं है। बिजनेस लोगों के मैंने बर्बाद होते हुए देखे हैं, पॉलिटिशियन कभी बर्बाद नहीं होता यदि मेहनत करता रहे तो। एक बार मैंने सुना लोगों से 10 साल तक, अरे ममता बर्बाद हो गई, फिर ऐसी खड़ी हुई कि अब किसी से उखड़ी नहीं रही। पिछले दिनों 10 साल तक ऐसा देखा कि चंद्रबाबू नायडू भारतीय राजनीति में अब अप्रासंगिक हो गए, अब ऐसे झंडा गाड़ दिया कि गवर्नमेंट में मूल भूमिका उनकी आ गई है। पॉलिटिशियन कभी नहीं मरता है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है बिजनेस में लॉस अप एंड डाउन थोड़ा बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, पॉलिटिशियन की रिकवरी के लिए 5 साल जरूर लगते हैं, लेकिन वो विपक्ष में रह करके भी ज्यादा खूंखार हो सकता है और सत्ता पक्ष में रह करके ज्यादा सेवा कर सकता है। तो आप लोग अलग अलग तरह से अपने पॉलिटिक्स को भी ऐसे ही लेकर के चलें, और इसमें किसी भी बहुत तरह की अलग अलग पार्टियां हैं अभी नेपाल में, कोई भी आप पार्टी से जुड़े हुए हो कोई महत्वपूर्ण नहीं। और मैं तो इस बारे में जरा सा भी कोई नेपाल देश को लेकर के जरा सा भी अपने मन में कोई रत्ती भर भी कोई भेदभाव नहीं रखता हूं, और सारे नेपाल देश को इस बात का पता है कि स्वामी रामदेव और पूज्य आचार्य बारक्षण जी सब पॉलिटिशियंस के प्रति एक समता की दृष्टि, एक ममता की दृष्टि, एक माया रखते हैं, और भाव एक ही है कि नेपाल देश आगे बढ़े। तो मुझे पूज्य आचार्य ने कहा कि आप एक बार आए और सबको संबोधित करें, तो मेरा तो यही कहना है भाई, आप लोग इतनी अपना अस्तित्व मिटा दो कि मुझे ये मेरा जीवन नेपाल देश को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने के लिए ये जन्म मेरा अर्पित है, बस। तो आपका जो भी सामर्थ्य, इसमें कोई पढ़ाई लिखाई की ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप कम पढ़े लिखे हैं ज्यादा पढ़े लिखे हैं, भारत में जो है अलग अलग प्रकार से मैंने देखा है पिछले 30 सालों में, उससे भी पहले देखा है, लेकिन जब से सार्वजनिक जीवन में हम खुद हैं पिछले 30-35 सालों से, पढ़ाई लिखाई इसमें सेकेंडरी है, सबसे बड़ी बात है इसमें आपका डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, हौसला, जोश, जुनून, उत्साह, शौर्य, वीरता, पराक्रम, कुछ भी शब्द बोल दो उसके लिए, आपकी निरंतरता, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, सेवा की पराकाष्ठा, एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के बड़े काम होते हैं। जो कंफर्ट लेवल में जीना चाहते हैं वो पॉलिटिक्स मत करना, जो कंफर्ट लेवल में जीना चाहते हैं साधु मत बनना। मैं तो अपने सन्यासी बच्चों से भी कहता हूं, जिनको एवरेज लाइफ जीनी है, अपने नौकरी धंधा करो, ब्याह करो, 1-2 कच्चे बच्चे पैदा करो, चुन्नू मुन्नू, अरे आओ माय डियर, माय डार्लिंग, आई लव यू, आई फलाना यू, ये सब करते रहो। जिनको एवरेज लाइफ जीनी है वो पॉलिटिक्स मत करना, जिनको एवरेज लाइफ जीनी है वो सोशल वर्कर मत बनना, जिनको एवरेज लाइफ जीनी है वो हमारी तरह सन्यासी मत बनना, जिनको कंफर्ट में रहना है
वो फटे हाल ही रहेंगे, ऐसे ऐसे जिंदगी जी लेंगे, खाने पी लेंगे, बच्चे पैदा हो जाएंगे, पढ़ लेंगे बोल लेंगे, ठीक है। आपको देखो आज हम समर्थ हो गए, ये बात सही है, लेकिन जब हम बिल्कुल असमर्थ थे, हमारे पास एक रुपए नहीं था, एक रुपए सिंगल पैनी, हरिद्वार में आए थे एक चवन्नी नहीं थी, बस एक था मन में संकल्प था कि कुछ बड़ा करना है। और थोड़ा मैं अतिशय जिद्दी स्वभाव का हूं, हमारे मतलब पूज्य आचार्य श्री भी बस एक ही पिच नीचे हैं, ज्यादा नहीं है वो भी ऐसे ही हठी स्वभाव के हैं, तो ये जोश, ये जुनून, ये उबाल ऐसे बरकरार रहना चाहिए ज्वालामुखी की तरह, कम से कम 60 साल तक, कम से कम बता रहा हूं, उसके आगे भी कोई जो है, जैसे भारत में है कई पॉलिटिशियन, नेपाल में भी हैं, बूढ़े हो गए लेकिन सत्ता नहीं जानी चाहिए तो किसी में 70 साल तक भी ये बढ़ा सकते हैं आप इसको, 70 साल के बाद तो फिर आदमी काफी ढीला हो ही जाता है, तो 60-70 का कम से कम टारगेट रखो, और उसके बाद आप गाइडेंस कर सकते हो ना, अपने एक्सपीरियंस दे सकते हो, सबको बढ़ते हुए देख के खुशी होनी चाहिए। तो मैंने ये नेपाल देश को आगे ले जाने के लिए, याद रखना दूसरे देश आपके कितने मित्र देश हैं, भारत, चाइना सहित और तमाम दुनिया के कुछ देश, जो आप कुछ लोग अलग अलग ग्रुप से बने हुए हैं, कोई कहते हैं भारत जो है वो सबसे बड़ा मित्र देश है, कोई कहेगा चाइना बहुत बड़ा मित्र देश है, कोई कहेगा और दूसरा तीसरा मित्र देश है, सारे लोग आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, और उस मदद के बदले उनको भी कुछ अपेक्षा होती है, याद रखना ये दुनिया का सिद्धांत है, कोई भी देश अपने बूते पर ही आगे बढ़ता है। तो ऐसा स्वावलंबन का, ऐसा आत्मनिर्भरता का, शौर्य वीरता पराक्रम का जज्बा आप देश में जगाएंगे तो इतने ही लोग जितने आज इस पतंजलि यूनिवर्सिटी के हॉल में बैठे हैं, या आज का दिन आप इतिहास में याद रखना, इतने भी लोग यदि पूरे शौर्य वीरता पराक्रम से जाग गए तो आने वाले 10-15-20 सालों में नेपाल विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश हो सकता है। यह है आपकी ताकत, यह है आपका सामर्थ्य, और यह है नेपाल देश का सामर्थ्य। तो बस ये इतनी सी बात जो मन में आ रही थी वो मैंने बिना किसी औपचारिकता के, बिना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बिना किसी लिखित भाषण के और बिना किसी लीपापोती के, जो दिल में था वो अपना हृदय का प्रेम आप तक संप्रेषित किया। पूज्य आचार्य श्री आपको इतनी प्रीति करते हैं, इतनी प्रीति करते हैं कि वो आत्मवत प्रीति करते हैं, एक शब्द होता है प्रीति की पराकाष्ठा का, आत्मवत्तया, तो वो आत्मवत आपसे प्रीति करते हैं, आपसे माया रखते हैं। तो ऐसे श्रद्धे आचार्य श्री जो आपका सर्वविध मंगल देखना चाहते हैं, उनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है, और इसी भाव चेतना के साथ यहाँ पर आपको आमंत्रित किया, और हमारे भाई लवदेव जी मिश्रा जी से लेकर के पूज्य साध्वी देवादिति जी, देव विजया जी, हमारे शालिग्राम जी आदि से लेकर के जितने भी कार्यकर्ता अपने भाई बहन वहाँ सेवा कर रहे हैं, हमने सबको एक ही बात सिखाई है, निष्काम भाव से सेवा करो, इसको सबसे ऊंची सेवा कहा गया है हमारे सनातन धर्म में। मैं श्रद्धाचार्य श्री से कहूँगा वो कुछ प्रबोधन कर दें, फिर सबका आज एक फोटो सेशन भी रखा है, वो एक हिस्टोरिकल यादगार रहती है, जैसे अभी हमारे श्रद्धेय अतिथिगण, माननीय अतिथिगण आए, उनको एक एक मनुष्य की जो एक अपनी निजता होती है, एक उसको अपना एक मानव का एक स्वभाव होता है कि ऐसे कुछ अवसर हो तो उनको वो ऐसे लाइफ टाइम एक मेमोरी के रूप में याद रखना चाहते हैं, तो वो भी आपको अवसर देंगे श्रद्धेय आचार्य श्री को। बहुत बहुत श्रद्धेय स्वामी जी को नमन है, प्रणाम है, धन्यवाद है। तब सब युकुरा था छ कि श्रद्धेय स्वामी जी को नेपाल को प्रति माया, प्रीति, अनुराग, लगाव, समर्पण, नेपालीहरू को प्रति विश्वास, यो संपूर्ण विश्व विदित छ, सब संसार लाई था छ।
त्यसको लागि नेपालीहरू साँच्चैमा सबको मनमा सधैँ स्वामीजीको प्रति कृतज्ञताको एउटा सहृदयताको भाव बनिरहोस्, यो हाम्रो कर्तव्य हो। और ये सौभाग्य है आप सबका, श्रद्धेय स्वामी जी जब नेपाल की बात आती है, कुछ भी करने की बात होती है, न कभी मना करते हैं न कभी, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा वो शब्दों में नहीं, नेपाल और भारत हमारे लिए दो स्वतंत्र संप्रभुत्व वाले राष्ट्र हैं। राजनैतिक रूप में अपनी सीमाएं हैं, अपनी मर्यादाएं हैं, अपना संविधान है, परंतु सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप में हम अभिन्न हैं, अटूट हैं। जो रोटी बेटी के रिश्ते की, संबंधों की हम बात करते हैं, वो सदियों से है, वर्तमान में भी है और सदियों तक भी बना रहेगा, उसको कभी कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मूल संस्कृति, संस्कृति की प्रकृति, जो सनातन वैदिक मूल्य और परंपराएं हैं, वो समान हैं। और इसको देखें तो कई बार बात होती है, कई ये तो है, हम जब कहते हैं तो जो विश्व में कभी पराधीन नहीं हुआ वह राष्ट्र कौन है, तो हम नेपाल का नाम लेते हैं। परंतु मैं आपको दूसरे शब्द में कहूँ, इसको थोड़ा सा आप शब्द के अर्थ को समझना, मैं कई बार बोलना चाहता हूँ, नेपाल भारत जो आर्यावर्त, भारतवर्ष जिन शब्दों से प्रयुक्त किया जाता है प्राचीन काल से ही, क्योंकि अलग अलग राजा होते थे, अलग अलग क्षेत्र खंड में राज्य करते थे, उन राजाओं की सीमाओं के हिसाब से सीमाएं होती थी, परंतु उसको बड़े रूपों में आप देखेंगे तो सारा भूभाग वो एक ही था, ये अलग नहीं था। और नेपाल उतना भूभाग है, बाकी तो दूसरे जगहों ने, लोगों ने कब्जा कर लिया, उतने एरिया को लोग कब्जा नहीं कर पाए, तो यह वो भूभाग का नाम है नेपाल। तो इसीलिए, क्योंकि जो अखंड में जो अखंड ही बना रहा, उतना जो क्षेत्र था वो नेपाल है। इसीलिए मैं आज एक रहस्य की बात श्रद्धेय स्वामी जी को कहना चाहता हूँ, शायद आप में से कितनों को पता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी श्रद्धेय स्वामी जी ने थोड़ी सामाजिक राजनीतिक बातें उस दृष्टि से आपको समझाने का प्रयास किया है। जब हमारी सनातन संस्कृति की बात आती है, धर्म की बात आती है, परंपरा की बात आती है, नेपाल में दो गौरव हमारे मध्य में हैं, महापुरुष के रूप में, अवतारी पुरुष के रूप में भगवान बुद्ध, और स्थान के रूप में भगवान पशुपतिनाथ। ये दो बहुत ही, जो बुद्ध परंपरा या सनातन परंपरा को मानने वाले लोगों के लिए वो आदर्श है, मूल है। और अर्वाचीन काल में भी ये आपको पता होना चाहिए, चाहे गुरु गोरक्षनाथ जी हों, चाहे उदासीन संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद आचार्य हों, श्रीचंद आचार्य जी जो थे वह हमारे गुरु नानक देव जी के सुपुत्र थे। गुरु नानक देव जी के परंपरा में आप जानते हैं सिख धर्म का जो प्रचार और प्रसार हुआ, परंतु उनके जो सुपुत्र थे निर्मल और श्रीचंद, निर्मल एक निर्मल लक्ष्मीचंद जी, लक्ष्मीचंद जी से निर्मल संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ, और श्रीचंद जी ने उदासीन संप्रदाय को विश्व में बढ़ाने का काम किया। इतना ही नहीं, चाहे वो दस नामी जो सनातन की परंपराएं हैं, उन अखाड़ों के जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जितने बड़े बड़े भी सिद्ध हुए हैं, उन सिद्धों में कोई ना कोई सिद्ध ऐसा रहा है जिसने जाकर के उस नेपाल के भूभाग में जाकर के साधना करी है, तपस्या करी है। उस साधना और तप ने पूरे विश्व को, मानवता को सिखाने का काम किया है, मनुष्यत्व को जगाने का काम किया है। इसलिए नेपाल की भूमि वो सौभाग्यशाली भूमि है जो सबके लिए वह श्रद्धा की भूमि है। बहुत दूसरे महापुरुष हुए हैं, मैं उसकी चर्चा ना करते हुए एक इतिहास के बहुत बड़ी बात को आज
संज्ञान में लाना चाहता हूँ। जब हम सनातन की बात करते हैं, वैदिक धर्म की बात करते हैं, तो भगवान बुद्ध तो हुए ही हैं, उससे पहले भी हम सबको पता है कि शाक्य वंश में भगवान बुद्ध के अवतरण हुआ, वो क्षत्रिय वंश में थे, सब सब इतिहास है। पर अभी कई लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, ये जो परंपराएं हैं ये तो बाद की बात है, उस समय पर नहीं थी चीज़ें, नहीं थी, ऐसा करके एक विवाद को जन्म देने का, उसमें भी एक विवाद को लाने का काम करना चाहते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो पहले ठीक है ब्राह्मी लिपि थी, पाली प्राकृत भाषाएं थी, परंतु जो देवनागरी लिपि है या संस्कृत भाषा आदि बहुत अर्वाचीन है। वहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि वो मैं अभी बहुत सारा इतिहास का काम कर रहा हूँ, श्रद्धेय स्वामी जी को पता है, जब हमारा पाली प्राकृत का जो समय था, या जब आप कहते हैं कि ब्राह्मी का समय था, क्योंकि ब्राह्मी वो है, वो एक तरह से चित्र लिपि है ब्राह्मी, क्योंकि वो अक्षर लिपि नहीं है। जैसे चाइनीज भाषा है वो वस्तुतः चित्र लिपि है, वो अक्षर लिपि नहीं है, ऐसे ब्राह्मी भी वो चित्र लिपि थी। तो जो अक्षर लिपि में आप देखते हैं तो पाली प्राकृत को अक्षर लिपि माना जाता है, पर पाली और प्राकृत भाषा का जब प्रादुर्भाव हुआ अक्षर लिपि के रूप में, उससे पहले पहले ही एक भाषा का, एक लिपि का प्रादुर्भाव हुआ था, उसको बोलते हैं भुजीमल। भुजीमल लिपि का जो प्रारंभ है वो नेपाल में ही था, उसका जो उत्पत्ति और अभी भी उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नेपाल में है, लिखित रूप में है, ये शायद आप में से कितनों को पता है, मुझे नहीं पता, पर मैं बताना चाहता हूँ, ये 2300 से 2400 वर्ष पुरानी लिपि है, जिसकी लिपि को जो देवनागरी लिपि है सेम उसी अक्षर में लिखा जाता था। दुनिया की अक्षर लिपि में प्राचीनतम लिपियों में से एक लिपि का नाम है भुजी लिपि, और उसका जो स्थान है वह भी नेपाल है, इसलिए आपको इसके लिए भी गौरव करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर अभी हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। और भुजीमल जो लिपि हुई है, भुजीमल से जो है वहाँ से कम 60-70 लिपियाँ महाराज जी शुरू हुई हैं, उसका पूरा हम मैपिंग कर रहे हैं, उस रूट को जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक ये बड़ा कार्य भी पतंजलि के माध्यम से इतिहास को, क्योंकि चाहे नेपाल का इतिहास है चाहे भारत का इतिहास है, ज़्यादातर इतिहास विदेशियों ने लिखा, उसी इतिहास के आधार पर आज हमारी मान्यताएं बनी हुई हैं, पर हम मूल अपनी संस्कृति और अपने मूल हमारे स्वरूप के आधार पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ में पूरा एक तरह से साक्ष्य आधारित इतिहास लेखन का कार्य भी पतंजलि के माध्यम से हो रहा है। ये मैं आपको थोड़ी जानकारी दे रहा था। बाकी जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि यह जो कार्यक्रम का उद्देश्य और लक्ष्य है, जैसा नेपाल, मैं एक शब्द में कहूँ, महाराज जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, देखो मैं उसको व्यक्ति से शुरू करता हूँ। यदि तपाई को पेट में पेट दुखियो बनी, नहीं आपके पेट में दर्द हो जाए, तो आपके घर वाले क्या करेंगे? भाई औषधि ले आएंगे, अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, पर दर्द तो तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। कोई कितना भी प्रिय हो, पति पत्नी भाई बहन दीदी आमा बुआ कसैले, तपाईं को जो दुखिया छ नि, जो पीड़ा दर्द छ नि, त्यसले कसैले ट्रान्सफर गर्न सक्छ? कसैले गर्न सक्दैन। त्यसरी नै जब देशको राष्ट्रको विकासको कुरा हो भने, कति पनि राम्रा पडोसी भउन्, कति पनि राम्रो मित्र देशहरू भउन्, कोही पनि होला, ऊ पनि हाम्रो एउटा पर्सेप्सन हो, यो कुरा पनि ध्यान राख्नु हँ, कि हाम्रो हितैसी देशको हाम्रो पर्सेप्सन हो, या हामीले जस्तो वातावरण बनाएर हामीलाई बताउन थाले, कहिले काहीँ तपाईँहरूलाई लाग्ला कि भारत सबभन्दा राम्रो मैत्री देश हो, अर्काले आएर केही भनेर चाहिँ अरे चाइना त भारतभन्दा पनि त हाम्रो पडोसी देश हो, फेरि अर्काले भन्दा ए भारत होइन, हो चाइना पनि होइन, अरू कोही अर्कै देश चाहिँ नि हाम्रो हितैसी हो, थाइल्यान्ड होला या अरू कोही कोरिया होला या जापान होला, हाम्रो ज्यादा हितैसी देश त त्यो हो, या कसैले सोचला कि अमेरिका ज्यादा हितैसी होला। त यो वास्तवमा हितैसी को कति छ, यसमा हितैसी हुनभन्दा धेरै ठुलो पर्सेप्सन हो, यो ध्यान राख्नु हँ। मित्र और अमित्र ये पर्सेप्सन पर हामीले क्रिएट गरिरहेका छौँ, परन्तु भारतको विषयमा यो त अकाट्य हो, यस विषयलाई मलाई भन्नमा कोही कोताही छैन। यदि भारत र नेपालको खुला सीमा हुँदैन थियो भने, और नेपालीहरू लाखौँको संख्यामा भारतमा आएर रोजीरोटीको साधन प्राप्त गर्दैन थिए भने,
कल्पना कर लो कि नेपाल को स्थिति क्या होने वाला, यह कड़वा सत्य हो तो बाकी चीज को मित्र अमित्र को कुरा तो विचार होना सक्षम। फेरी पनी नेपाल को चिंता, नेपाल को विकास को चिंता, नेपाल लाई विकसित बनाने, नेपाल लाई समृद्धशाली बनाने, यो चिंता नेपाली ले नहीं करना सक्षम, नेपाली बाहर का कसैले करना सक्दैन। किनभने देश यदि तपाईहरुको हो भने बचाउने जिम्मेदारी पनि तपाईहरुको हो। जैसे श्रद्धेय स्वामीजीले भन्नुभयो, श्रद्धेय स्वामीजी ने बहुत बड़ी बात कही, भाई तुम चिंता करो अपने देश की, देश को आगे बढ़ाने के लिए चिंता करो। तो इस सोच को, इस राष्ट्रवाद की अवधारणा को, इस राष्ट्रवाद की सोच को, इस राष्ट्रवाद की चिंतन को हम यहाँ पर कोई राजनीतिक ट्रेनिंग के लिए आपको नहीं बुलाया है, कोई किसी में किसी को सुपीरियर समझाने के लिए, किसी को निम्न बताने के लिए, किसी को आगे किसी को बताने के लिए नहीं बुलाया गया है। जैसे मैंने सुबह कहा था कि आपको हमने इसलिए बुलाया है कि जिस तरह से भारत की समृद्धि के लिए, विकास के लिए श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में लाखों लाखों हमारे भाई बहन रात दिन एक करके पुरुषार्थ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं और राष्ट्र के लिए अपनी आहुति प्रदान कर रहे हैं, इसी तरह से नेपाल की समृद्धि और विकास के लिए भी वहाँ के आप सब भाई बहन व्यवस्थित रूप में पतंजलि की ऊर्जा शक्ति और श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से और बेहतरीन क्या कर सकते हैं उसको बताने के लिए आपको हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है। और आप सब यहाँ पर आए हैं, जैसे मैंने बोला भी, मैं जस्तु बयान भानी बनी सके कि एक एक मिनट को, एक एक पल को यहाँ चार दिन में, पाँच दिन में हमले तब कई बताने प्रयास करने छो, कई न कई हमले सिखाने प्रयास करने छो। श्रद्धेय स्वामी जी को आशीर्वाद छ, पछि बिहान तो श्रद्धेय स्वामी जी को आशीर्वाद प्रतिदिन योग में प्राप्त होने नहीं छ, फिर भी दिवस में या सांझ में जैसे भी अनुकूलता भे में एकाध पाली श्रद्धेय स्वामी जी को आगमन फेरी हुन्छ नै, अवश्य नै हुन्छ। तो हामीले यो एउटा एक अद्भुत मौका पाएको, यो एक मैले भनिसकें कि हाम्रो यो एउटा हामीलाई गोल्डन चान्स हो, यो गोल्डन अपर्चुनिटी हो, यसलाई कति हामीले धेरै भन्दा धेरै यसको युटिलाइज गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने प्रयास गर्ने हो। तपाईहरुले एक एक कुरालाई हामीले जस्तो सिद्धान्तको रूपमा हैन, व्यवहारको रूपमा भने थ्योरीको साथमा प्र्याक्टिकल पनि, यहाँ पतञ्जलिमा सबै प्र्याक्टिकल मोडलहरू छ, त्यो मोडल पनि सानातिना होइन। जब पाइलट हुन्छ नि त मोडलको रूपमा काम गर्छ, त मान्छेले सानो काम गर्छ। तपाईँहरूको सौभाग्य हो कि त्यसको मोडल कस्तो हुनपर्छ, त्यो मोडल पनि वर्ल्ड क्लास मोडल, यानि वर्ल्ड लेभलमा जो दुनियाँले मानेको छ, दुनियाँले जानेको छ, दुनियाँले स्वीकारेको छ, त्यस्तो ठुलो व्यवहारिक त्यसको क्रियान्वयन भएको, क्रियान्वित भएको त्यो ठाउँलाई तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ, त्यहाँ घुम्न जान सक्नुहुनेछ, उहाँ गएर आफ्नो चिन्तन मनन गर्न सक्नुहुनेछ, त्यो देखेर घुमेर त्यो आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा हामीले कसरी त्यो काम गर्न सकिन्छ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ, शिक्षाको क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ, रोजगारको क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ, ट्रेनिङको क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ, त्यो विषयमा हामीले चर्चा गरेर त्यो चर्चालाई समाधानको स्तरमा लिएर जाने काम पनि हामीले त्यसमा सहयोग गर्नको लागि तत्पर छौँ। हामी पुरा आफ्नो समयको लागि, म त प्रायः प्रतिदिन नै यहाँ आएर आफ्नो समय दिनको लागि म यहाँ आउने प्रयास गर्नेछु। हाम्रो पूज्य साध्वीजी, हाम्रो भाइ लभदेवजी और हमारे सबै पतञ्जलिबाट जोडेका थुप्रै हाम्रो सङ्गठनका कार्यकर्ता भाइ बहिनीहरू पनि यहाँ आउन चाहनुहुन्थ्यो, मैले मना गरेको कि नै अभी नहीं आओ क्योंकि तुम्हारी अभी सेवा तो यहाँ पर ही, क्योंकि जति पनि हाम्रो पूरा पतञ्जलिका भाइ बहिनी छन् सब हिजोदेखि नै तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, जो पनि जस पनि सेवामा लागेका छन् सब बहुत ही अखण्ड प्रचण्ड और अनवरत पुरुषार्थको साथमा सेवा नै गरिरहनु भएको छ। तो पुनः आप सबका स्वागत करते हैं।